इसके कंटेम्परेरीज जो कि सोफिस्ट थे उनको अंडरस्टैंड किया। हम अब पार्ट थ्री में देखते हैं कि सॉक्रेटिस से पहले जो फिलॉसफी थी वो किसकी थी और सॉक्रेटिस से पहले किस टाइप के फिलॉसफर हुआ करते थे और उनके क्या कॉन्सेप्ट। तो जो प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफर्स हैं उसमें हेराक्लाइटस आते हैं, थेल्स आते हैं, पाइथागोरस आते हैं, पारमेंड्रीज आते हैं। प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफर्स दे फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग फिजिकल वर्ल्ड, नेचर, अर्थ, यूनिवर्स, therefore they are called physicists। ये physicist इसलिए कहते थे कि physical phenomena की struggle करते थे, physical phenomena को जानने की struggle करते थे, physical phenomena को understand करने की struggle करते थे, और इस struggle में ये different किस्म की philosophical interpretation करते थे nature के बारे में, दुनिया किस चीज से बनी है, नेचर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इंसान की यहाँ पर एग्जिस्टेंस क्या है, माँ बात तिब्यात यानी मेटाफिजिकल वर्ल्ड क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड क्या है, कॉस्मोस या कॉस्मोलॉजी क्या है। दे इन्वेस्टिगेटेड टू एरियाज बेसिकली जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं, जिसमें वो नेचर को, जिसमें वर्ल्ड को, जिसमें फिजिकल मैटर को यानी फिजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे। उसमें दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एक व्हाट थिंग्स आर मेड अप ऑफ एंड नंबर टू हाउ टू एक्सप्लेन चेंज एंड नेचर ऑफ रियलिटी। यानी ये जो चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जमीन है, पहाड़ है, समंदर है, आसमान है, चांद तारे हैं, इंसान है, नबातात यानी प्लांट्स हैं, ये किस चीज से बने हैं और जो इसमें तगैयुर यानी तब्दीली या चेंज आ रहा है इसकी हकीकत क्या है, इस चेंज के पीछे कोई रियलिटी है, नेचर ऑफ रियलिटी है तो किस टाइप की नेचर ऑफ रियलिटी और वो कैसे एग्जिस्ट करती है। इस बारे में सबसे पहले हम देखते हैं थेल्स के कॉन्सेप्ट। थेल्स कहते थे व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ। थेल्स का मानना था कि दुनिया यानी कायनात और कॉस्मोस की हर चीज जो है ये पानी से बनी है, हर एक चीज पानी से ही वजूद में आई, उसके बिल्कुल साथ उस वक्त मौजूद डेमोक्रेटस का मानना कुछ और था। डेमोक्रेटस कहते थे कि जो दुनिया है, पूरी कायनात जो है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी है, इनका यूनिट एक टाइनी पार्टिकल है यानी एटम है, और ये वो प्रिमिटिव थ्योरी ऑफ एटम है जो सबसे पहले सरफेस भी दुनिया में हुई, यही फिलोसोफर्स ने उसको सरफेस किया। और इनका मानना था कि छोटे छोटे एटम आपस में मिलकर पूरी कायनात को बनाते हैं। दूसरी तरफ How to explain change and nature of reality? इसके बारे में हेराक्लाइटस का मानना ये था, change is reality and there is nothing behind change। इस तरह के हमने पहले भी देखा कि सोफिस्ट भी हेराक्लाइटस को ही फॉलो करते थे। हेराक्लाइटस का कहना ये था कि हमारे इर्द-गिर्द जो मौजूद चेंज नजर आ रहा है हमें, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो समंदरों में हो, चाहे वो मौसमों की तब्दीली में हो, चाहे वो इंसान की उम्र में हो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द मौजूद मटेरियल वर्ल्ड में हो, चाहे वो कॉस्मोस के किसी भी एरिया या सेगमेंट में हो, वो जो चेंज है वही रियलिटी है। यानी जो चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आ रही है इसी का नाम तो हकीकत है, ये मानना था हेराक्लाइटस का और यही मानना था बाद में सोफिस्ट का। इसके बरक्स उस वक्त मौजूद एक और बहुत बड़े फिजिसिस्ट यानी फिजिकल वर्ल्ड के एक फिलोसोफर मौजूद थे जिनका नाम पाइथागोरस है, जिसे बहुत ज्यादा प्लेटो भी इंस्पायर हुए। इनका मानना था चेंज इज इल्यूजन एंड ट्रुथ एग्जिस्ट बिहाइंड दीज चेंजेस। यानी पाइथागोरस का कहना यह था कि हमें इर्द गिर्द फिजिकल वर्ल्ड में या अपनी जो सेंसेस हैं इससे जो चेंज नजर आता है, अपनी जात में जो चेंज नजर आता है, एनवायरमेंट में जो चेंज नजर आता है, ये बेसिकली हमारा एक इल्यूजन है, हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में कोई परमानेंट ट्रुथ है जहां से ये चेंज इनिशिएट करता है और वो परमानेंट ट्रुथ इसी चेंज के पीछे है। इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर फिर जो प्लेटो है जो कि सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं उन्होंने फॉलो किया और फिर अपना कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज जिसको ड्यूलिज्म कहते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी कहते हैं, उसमें जो प्लेटो है वो इसी कॉन्सेप्ट को, पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट को फर्दर इलेबोरेट करते हैं और उसके लिए
वो एलेग्री ऑफ द केव का एक कॉन्सेप्ट देते हैं जो कि नॉलेज की बेस है आज दुनिया में, और जिसकी वजह से आज की दुनिया को ये मालूम पड़ा है और ये चीज़ हमारे सामने आई है कि जो नॉलेज हमारे पास आता है जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है वही हकीकी नॉलेज नहीं होता, बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन और उस इंटरप्रिटेशन के पीछे और उस नॉलेज के पीछे भी बहुत सा नॉलेज मौजूद होता है।